दोस्तों देख सकते हैं इतना सारा हम लोग बरी बना लिए हैं, अदौरी बना चुके हैं। तो टेस्ट करा रहे हैं दोस्तों ताकि अच्छा से उसके साथ मिल सके। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं विकास सब्जी वाला आप सभी का स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। दोस्तों सुबह का वक्त है, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और दोस्तों अभी हम लोग बनाने वाले हैं एक रेसिपी, मस्त रेसिपी बनाने वाले हैं दोस्तों। देसी रेसिपी है, झारखंड का फेमस रेसिपी है दोस्तों, जिसको हम लोग बरी भी बोलते हैं दोस्तों और अदौरी भी बोलते हैं अपना क्षेत्रीय भाषा में। तो दोस्तों आज हम लोग जो है चलिए दिखाता हूँ कि कौन सा बीज, कौन सा सब्जी का बीज से जो है पीस के दोस्तों उसको बनाने वाले हैं। और देखिए फिलहाल अभी इधर फुआ कोयला चूल्हा जला रहे हैं, इधर देखिए बकरी लोग हैं। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं अपना रेसिपी को। दोस्तों हम लोग सिमी का बीज से जो है बरी बना रहे हैं, उसमें अरवा चावल भी मिक्स कर दिए हैं। अरवा चावल इसमें मिक्स कर दिए हैं दोस्तों, और सिमी का बीज भी मिक्स कर दिए हैं। और अभी इसमें जो है आलू भी बॉईल किए हैं, आलू पापा छोड़ा रहे हैं छिलका, उसको भी इसमें मिक्स कर देंगे दोस्तों इसका पेस्ट में, और बरी बनाएंगे दोस्तों। चलिए दिखाता हूँ दोस्तों कि गांव देहात में हम लोग कैसे बरी बनाते हैं, और जब हम लोग का घर में जब हरा सब्जी खत्म हो जाता है तो किस तरह इसका सब्जी बना के खाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फटाफट बनाते हैं। और देखिए इधर माँ पीस रहे हैं, क्या माँ क्या चीज का चीज से बनता है माँ बरी? बरी दाल से भी बनता है, उरी दाल से भी बनता है दोस्तों, बरबट्टी का दाना से भी बनता है, और सीमी का दाना से भी बनता है ना माँ। हाँ। तो अभी हम लोग बना रहे हैं दोस्तों सीमी का दाना से, क्योंकि घर में था, क्योंकि हम लोग का घर में सीमी का दाना था बीज, तो उसी को पानी में फूलने दे दिए हैं और फूल गया है दोस्तों। चावल को भी फूलने दिए थे, चावल भी फूल गया अरवा चावल, और दोनों को मिक्स करके पीस रहे हैं। उसके बाद जो है थोड़ा सा आलू भी इसमें मिला देंगे दोस्तों, और मिला के बनाएंगे ताकि क्वांटिटी बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग पीस रहे हैं दोस्तों, और चलिए दिखाता आप लोगों को किस तरह से हम लोग बरी पारते हैं, क्या माँ? धूप में सूखने के लिए जो है उसको बरी पारा जाता है गोल गोल करके, तो ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों माँ उधर पीस रहे हैं, और इधर हम लोग पापा और हम जो है आलू छील रहे हैं अभी, ताकि जल्दी होगा, सुबह का वक्त तो धूप भी नहीं लगेगा इसीलिए, क्या पापा है ना, तो गर्मी बहुत ज्यादा लगने लगता है दोस्तों। दोस्तों हम लोग आलू छील चुके हैं, और माँ भी देखिए उधर पीस चुके हैं दोस्तों, और थोड़ा सा बचा है ना, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो माँ भी पीस के कंप्लीट कर लिए हैं, और आलू भी हम लोग छील के कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। और चलिए दोस्तों दिखाता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग का क्या रहने वाला है। दोस्तों इसके साथ में मिक्स करना है हम लोग को आलू भी, इसलिए आलू को भी पेस्ट बना रहे हैं, और गिलास से फोड़ फोड़ के इसको पूरा पेस्ट बनाना है पापा, तो पेस्ट बना रहे हैं दोस्तों ताकि अच्छा से उसके साथ मिल सके। दोस्तों हम लोग पीस चुके हैं, माँ देखिए बीज भी पीस चुके हैं, और हम आलू का पेस्ट भी बना चुके हैं, और स्वादिष्ट बढ़ जाएगा दोस्तों फ्लेवर इसका, इसीलिए हम लोग उसमें मेथी का दाना भी मिक्स कर रहे हैं, क्या माँ भूजे माँ इसको? हाँ। तो मेथी का दाना है दोस्तों, उसको हम लोग फ्राई कर दिए, उसको भी पीस रहे हैं माँ, पीस पीस में मिक्स कर देंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है टेस्ट बढ़ जाएगा दोस्तों। अब दोनों पेस्ट जो हम लोग मिक्स कर रहे हैं, मिक्स कर दीजिए माँ, और मिक्स करके दोस्तों मिला देंगे मस्त अभी, उसके बाद दोस्तों जाएंगे और धूप में देंगे सूखने के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों दिखाता हूँ हम लोग बरी किस तरह से पारते हैं, बनाते हैं दोस्तों। हम लोग मिक्स कर चुके हैं, और लाल मिर्चा भी ले जा रहे हैं, चलिए इसका क्या काम है उसको भी दिखाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं बरी पारने के लिए। दोस्तों अब हम लोग बरी पारना शुरू कर दिए हैं, और देख सकते हैं किस इस प्रकार से पारा जाता है गांव देहात में। सक जाएंगे माँ, तो गोल गोल करना है, नहीं गोल करना है, मेरे हाथ से नहीं हो रहा है। इस तरह से जो गांव देहात में जो है बरी पारा जाता है, छोटा छोटा देना होगा ना माँ, तो हम नहीं सक रहे दोस्तों, माँ सक रहे हैं, छोटा छोटा बोल रहे हैं माँ देने के लिए, इतना छोटा ना माँ, देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से। और मिर्चा खोसा जाता है हम लोग को इधर, ताकि नजर गुजर ना लगे, क्या माँ? तो देखिए दोस्तों इस तरह से मिर्चा भी देखिए खोस दिए, डैन रहता है ना गांव देहात में, नहीं देखिए दोस्तों इस तरह से हम लोग पारते हैं सब खोसते हैं। तो दोस्तों पांच ठो मिर्चा खोस चुके हैं देख सकते हैं बरी में, और इस तरह से पारना होगा अभी बहुत सारा है ना जान भी दे, ना जान भी तो हम नहीं सक रहे दूसर काम।
दोस्तों देख सकते हैं इतना सारा हम लोग बरी बना लिए हैं, अदौरी बना चुके हैं, अब थोड़ा सा बाकी है, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। और इतना भयानक धूप उग चुका है दोस्तों कि सूखते जा रहा है सब, देख सकते हैं। और माँ वाला देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना है, छोटा छोटा एकदम साइज में, और मेरा वाला देख सकते हैं कैसा बन गया है। तो चलिए अभी से सूखने देते हैं, शाम में सूख जाएगा, उसके बाद शाम में इसको उचारना पड़ेगा सारा को, अभी तो सूखा नहीं है पूरा। तो चलिए दोस्तों अब सूखने के लिए देते हैं और देखते हैं कब तक सूखता है। दोस्तों लगभग हम लोग का जो है बरी सूख चुका है और मौसम भी जो है खराब हो गया है, बारिश होने वाली है लगता है क्योंकि गरज रहा है। तो अभी हम लोग उठा के ले जा रहे हैं अपना जो बरी बना है उसको, अपना बरी उठा चुके हैं और अभी नीचे जा रहे हैं। दोस्तों बारिश होगा ना माँ लगता है। और दोस्तों हम लोग अपना बरी नीचे उतार चुके हैं और माँ रख रहे हैं, और मौसम भी बहुत खराब हो गया है दोस्तों, लगता है बारिश होकर ही रहेगा। आज के ब्लॉग को दोस्तों यहीं तक रखते हैं और आशा करता हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों प्लीज कमेंट बताएं कैसा लगा है। अच्छा लगा होगा दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल पर आप अगर नए होंगे दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।